कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके घरों में क्या परेशानियों से गुजर कर वो यहाँ तक आए हैं कि उनके पास जीने मरने का सवाल बन गए हैं। ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना आप, ये बताने की कोशिश है कि आपको इस मुद्दे पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, इसकी बात करनी है। किसान आंदोलन एक साल तक रहा, उसने ये बताया कि लड़ करके जीता जा सकता है, है कि ये पैरों पर ना खड़े हो पाए और हमेशा ऐसे ही एक एक निवाले को तरसता रहे। युवा अगर तरसेगा तो वो सोचेगा नहीं, अगर 12 घंटे नौकरी करके आएगा तो उसके पास समय नहीं बचेगा कि वो समाज में क्या घट रहा है और सरकार क्या कर रही है वो ये सोच पाए। वो जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है अपने निजी जो मुद्दे हैं वो अपने गाँव के स्तर पर कोई मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का जो मुद्दा हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना जो वोट पोल कुछ यहाँ लड़कियाँ बहुत सारा धरना दे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, सरकार कहती है कि महिलाओं ने वोट लेकर सत्ता बनाई थी, सुन क्यों नहीं रही सरकार, क्या लग रहा है? वो तो क्लियर दिख ही रहा है कि अलग अलग जगहों पे लोगों के आंदोलन चल रहे हैं, सरकार एकदम मतलब अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है, मतलब वो है नहीं लेकिन वो दिखावा जरूर कर रही है कि जगह जगह जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, सब कुछ देखकर भी किस तरह अनदेखा किया जा रहा है। जैसे किसान आंदोलन में इतने लोगों की मौत के बाद, मतलब इतने लोग शहीद हुए, शहीदी के बाद जाके अभी ये बिल जो है वापस लेने की बात को माना गया है, तब जाके किसान लौटे हैं। अगर यही बात पहले मान ली जाती तो शायद 750 के आसपास जो किसान शहीद हुए वो ना होते। तो सरकार को जनता के मरने का, जनता के दुखों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ महिलाएं जो दिन रात बैठी है इस आंदोलन में लगातार इतने महीने से है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर उनको इन चीज़ों का फर्क पड़ता होता तो वो जरूर देख पाते कि जो यहाँ पर बैठे हुए छात्र हैं उनके घरों में क्या परेशानियों से गुजर कर वो यहाँ तक आए हैं कि उनके पास जीने मरने का सवाल बन गया है नौकरी। अगर उनके पास ये नौकरी नहीं है तो वो मौत के कगार पर खड़े हैं। ये बात सरकार को क्या नहीं दिख रही है? ये सब सरकार को अच्छे से पता है और ये जानते हुए भी लगातार नौकरियों में कटौती की जा रही है, क्योंकि जैसे साथी ने बताया कि अगर सरकारी नौकरियां मिल जाएगी तो सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना। क्यों इनके कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 12 घंटे हम 400-300 रुपए की दिहाड़ी में नौकरी करेंगे? तो सरकार चाहती है कि ये पैरों पर ना खड़े हो पाए और हमेशा ऐसे ही एक एक निवाले को तरसता रहे। युवा अगर तरसेगा तो वो सोचेगा नहीं, अगर 12 घंटे नौकरी करके आएगा तो उसके पास समय नहीं बचेगा कि वो समाज में क्या घट रहा है और सरकार क्या कर रही है वो ये सोच पाए। इसीलिए ये सारी पॉलिसीज लागू की जा रही है, मजदूर कोड भी लाए जा रहे हैं, ताकि ये सारे के सारे लोग जो अब तक सोच पा रहे हैं, जो अपना समय समाज को दे पा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है उसको क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं वो ना कर पाए। उसके पास इतना समय और इतनी शरीर की ताकत ही ना बचे कि वो थोड़ा सा भी सोच पाए कुछ क्या हो रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पहले आंदोलनों में जोश होता था वो लगातार कम हुआ है, क्योंकि हर किसी का पहला सवाल पेट भरना बन गया है। हर कोई रोटी के लिए मोहताज है तो वो क्या लड़ने आएगा? जब उसे पता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे परिवार भूखा है, तो वो मजदूरी करने जाएगा, आंदोलन में नहीं आएगा। यही साजिश के तहत आज इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, क्योंकि ये लोग जब मोहताज हो गए तो सोचना बंद करेंगे। बस यही सारी कोशिश है। पहली बात तो ये कि सरकार युवाओं का जो रोजगार है ना मुद्दा है ही नहीं। अगर वो इसको देखती, जो चुनाव है, इलेक्शन जो होते हैं, क्या इस बेस पे इलेक्शन होते हैं क्या? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शंस में क्या होते हैं, लोगों के मुद्दों पे बात होती है, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आना चाहते, जनता के मुद्दों से वाकिफ नहीं होना चाहते। इसीलिए जो है धर्म का चोला पहन करके वो जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है अपने निजी जो मुद्दे हैं वो अपने गाँव के स्तर पर, कोई मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का जो मुद्दा हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना जो वोट पॉलिटिक्स है। ऑब्वियस है, भारतीय पॉलिटिक्स का तो यही बहुत बड़ा दुविधा रहा है कि यहाँ जो लोगों के मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं की जाती। आप देखिए जितना भी पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स पे, आपको कास्ट पॉलिटिक्स का, आपको वोट बटोरू पॉलिटिक्स करना है, क्या जनता का जो मुद्दा है वो आपका पॉलिटिक्स नहीं है क्या? तो ये हम जो जनता है ना वो हम दिखाएंगे, हम ये बताएंगे। ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना आप, ये बताने की कोशिश है कि आपको इस मुद्दे पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, इसकी बात करनी है। किसान आंदोलन एक साल तक रहा, उसने ये बताया कि लड़ करके जीता जा सकता है। अभी तक ना अलग अलग छुटपुट जो है आंदोलन हो रहे थे, चाहे वो आदिवासी का आंदोलन चल रहा था, दलित का आंदोलन चल रहा था, महिला आंदोलन करी थी, फैक्ट्री के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर्स का जो आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, देश भर में सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन है ना, उसने ये बताया है और हमें ये राह दिखाई है कि लड़ करके जीता जा सकता है। तो ये आंदोलन भी 11 महीने से चल रहा है,
हम लोग यहाँ से उसी से प्रेरित होकर के आज भारत के अंदर सरकारी नौकरी नहीं देने का कारण क्या है, निजीकरण करने का कारण क्या है, प्राइवेटाइजेशन करने का कारण क्या है? यही कारण है कि वो प्राइवेट कंपनियों को सर्व करना चाहते हैं कि सस्ता लेबर प्रोवाइड हो, क्योंकि सरकारी नौकरी होगा तो एक सिक्योरिटी होगी, एक आपका इंश्योरेंस होगा, वो खत्म कर देना चाहते हैं। आज हमारे घर के लोग जो हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, जो बाबा साहब अंबेडकर जो कानून के अंदर बात करके गए, आधे मतलब 8 घंटे तक का कानून बना गए कि 8 घंटे आज के दौर में देख रहे हैं 12-12 घंटे तक प्राइवेट के अंदर काम करा जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। अभी क्या था कि आपने CAnRC का मूवमेंट देखा होगा लॉकडाउन से पहले का, कितना पूरा देश भर में आंदोलन हुआ, दिल्ली भर में पूरा आंदोलन हुआ। लेकिन अभी जो लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है ना, हमारा DU के अंदर हम लोग DU रिओपन का मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उसके अंदर लोग नहीं आ पा रहे, स्टूडेंट है ही नहीं तो आएंगे कैसे? तो लोगों को घर में बंद करके उनके अधिकारों के लिए आवाज ना उठा पाए, इसलिए भी इसको बहुत लंबा खींचा जा रहा है मतलब लॉकडाउन। बीच में समय बात जी है, वो भी मैंने कहा कि आम जनता, उसके बाद हमारी बहन है सीमा उड़ीसा से, अगर परेशानियां है आपने बहुत सारी परेशानियां गिनाई तो आम जनता बाहर क्यों नहीं आ रही? आम जनता, मैंने बताया ना आम जनता परेशान है, मैंने बताया कि डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखिए ना कि GTB हॉस्पिटल के अंदर जो नीट वाला जो अभी रिजल्ट का मसला था, किसान सड़कों पे था, किसानों के आंदोलन में भी आम जनता के साथ है, बात तो मानिए। किसान को क्या समझते हैं, किसान आम नहीं है क्या, आम लोग नहीं है क्या? क्या आसाम से उसके लिए आंदोलन के लिए जो सोलिडरिटी नहीं आया क्या? क्या महाराष्ट्र से सोलिडरिटी नहीं आया क्या? लोगों ने सोलिडरिटी दी है, ठीक है, चाहे वो दलित आंदोलन रहे, उन लोगों ने उसको सोलिडरिटी दी है, चाहे वो यूपी के अंदर रहा हो। आज से जो है 3 साल पहले 2019 के अंदर जब यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को मतलब रिहाई के लिए जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, तो क्या सिर्फ यहाँ दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश के लोग थे? नहीं, पूरा देश भर का लोग उनके साथ थे। तो ये जो लोग हैं, लोग आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये जो सवाल है ना कि अलग अलग बांट दिया गया है लोगों को, कि जो डॉक्टर अलग आंदोलन करेगा, स्टूडेंट अलग आंदोलन करेगा, किसान का तो अपना अलग आंदोलन है, स्टूडेंट का अलग आंदोलन है, इसको मैं समझना पड़ेगा कि एक साथ आकर के जो ये फासिस्ट जो सरकार है ना, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ जो है अचीव कर पाएंगे। तो छुटपुट आंदोलन का तो टारगेट यही है, अलग अलग बांट दो, लड़ते रहें, क्या ही कर लेंगे हम? लेकिन हम जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे ना, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यही सवाल है कि इसीलिए हम छात्रों के यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ आने का हमारा लक्ष्य भी यही है, कारण भी यही है कि हम DU से होते हुए इनके साथ सोलिडरिटी में आए हैं, क्योंकि हम लड़ करके ही और संघर्ष से ही आज तक, आपको पता होगा कि पानी का जो आंदोलन इस देश के अंदर जो दलित है ना, पानी भी जो पिया है ना, वो लड़ करके पिया है, उसका राइट जो लड़ करके लिया है, तो लड़ करके ही कुछ चीज़ अचीव किया जा सकता है। तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे।